हमारे साथ अभी हैं शारदा नाटक के लीड रोल अदा कर रही हैं विभा कपूर जी। नमस्ते, थैंक यू। क्या करेक्टर में हैं आज आप प्ले में? मैं एक लड़की की जो आप दुख भरी स्टोरी होती है वो मैं दिखाने जा रही हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो कोई मजबूरी में वैश्यावृत्ति में आती है तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई जानबूझ के नहीं आता। उसमें भी एक वो भी एक औरत होती है, उसे भी किसी से प्यार हो सकता है, लेकिन जब सामने वाले को अपनाने के लिए कहते हैं तो वो घर समाज मान मर्यादा और क्या बोला था आपने शादीशुदा हूँ वो यही कहते हैं, लेकिन कहते नहीं है, कभी अपनाने की बातें नहीं कहेंगे। ये ज़रूर कहेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस उस प्यार क्या रहता है, प्यार तो उसकी जिस्म से रहता है, उसकी रूह से कोई प्यार नहीं करता। लेकिन जब एक लड़की को उसके पति जब छोड़ देता है तो उसको मजबूरी के कारण ये काम करना पड़ता है। बस शारदा की स्टोरी यही है, बस आप आइए और देखिए। और मैं दिल से बोलती हूँ मैं बहुत रोई हूँ ये स्टोरी पढ़ के जब ये मैंने कर रही थी। तो प्लीज़ मैं आप कोई भी अगर जो प्रोस्टिट्यूट में आती है तो प्लीज़ उसको घिना मत करो, उसको समझो, वो भी एक औरत है, शायद वो मजबूरी में ये काम की होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो ये काम अपने दिल से कर रही होगी, पैसे के लिए कर रही होगी या पेट पालने के लिए कर या अपने बच्चे को पालने के लिए कर रही थी। बहुत सारी मजबूरी होती है, यही दिखाया गया है इस स्टोरी में। तो ये समाज के लिए एक मैसेज भी है कि आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोऑपरेट भी कर सकते हैं। तो आगे बने रहिए पटना नगरिया पे और देखिए नाटक शारदा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अदालतें हाँ, अगर कोई नहीं मानता तो मेरी बीवी सत्या नहीं मानती, और वो क्यों नहीं मानती एक लंबी कहानी। अब चूंकि आपका मेरा साथ रहेगा तो किसी मुनासिब मौके पर यह कहानी सुना। इस वक्त मैंने एक कहानी मुकम्मल की है, एक नई कहानी, तो उसकी बात करते हैं। कहानी का उन्मान है, तो मैंने तय नहीं किया। कहानी यूं है कि ऐसे कैसे मजा आए, चलिए इसे सामीन के उस मजमे के सामने सुनाते हैं जो मेरी कहानियों का मुंतजर है। मेरे ये सामीन अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन और हल्का या बाबुल शौक की कमाश के लोग नहीं, जो सिर्फ तनकीद के नश्ते लिए सिर्फ इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कब सादत हसन मंटो कहानी अपनी करे और कब वो उसकी टिक्का बोटी का डाले। मेरे लिए सामयिक खुद चलती फिरती कहानियां हैं, दर्दनाक मगर दिलचस्प। क्या रे मेरी, यूं ही देखता रहेगा याद आएगा भी।
ऐसे फाड़ फाड़ के देखेगा क्या? आ जा, अरे आजा राजा तेरे लिए खरीदिया में। हाय मेरा हीरो वहाँ बैठा है, वहाँ बैठ के क्या देखता है? अरे छोड़ ना रे उसको, आना मेरे राजा। चल अरे मुंह मत लगाओ माता की, चल आजा। अरे सुन ना,
हुजूर मैं तो यही होता, आप भी कभी तशरीफ नहीं है। मैं अब जो तशरीफ ले आया तो फिर चलिए मेरे साथ। चलो बाकी सामान तो आपके पास है। मतलब एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? मैं करीब, आप भूल गए थे। अच्छा अच्छा मुझे याद आया, गरीब। यार सच कहो तो मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, मैं तो पहले ग्रांड रोड हुआ करता था। हाँ लेकिन मैंने ना जाना छोड़, इधर पास कई होटल में करना शुरू किया। आपकी दुआ मेहरबानी से यह जगह भी काफी साफ सुथरी अच्छी है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। साफ लो बस छोटी है, ये बिल्कुल नहीं। तुम सब यही कहा करते हो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर साहब कसम कुराज की मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अभी 8 दिन पहले पहला पैसेंजर आया था, सुअर खाओ मैं वहां छोड़ने बिल्कुल नहीं रहा। आप एक बार चलिए तो सही, झूठ बोलो मुंह का। हमारी थी जी। हाँ साहब बिल्कुल नहीं, 200 रुपए लिए थे उस पैसेंजर से। लो यही मोल भाव पक्का करने लगे। कसम कुरान की नजीर साहब, सुअर बन जाओ जो आपसे मोल भाव। आप तशरीफ तो ले चलिए, वैसे भी करीम ने आपका बहुत नमक कर दिया। हाँ तो चलो यार, आज मौसम भी अच्छा है और मूड भी। चलो आज तमाम अयाशिया 6 साल पहले की तरह की जाए। तो फिर चलिए। चलो लेकिन हाँ, एक बोतल का और बंदोबस्त हो जाना चाहिए। वैसे ये बोतल कितना मिला है? ये 40 रुपये। कौन सा?
बुरी बात है। ज्यादा नहीं, बस 100 रुपये। और क्या दिया? ये लो। Thank you।
करूंगा फिर से। पिछली बार की तरह मैं कोई सामान पहुंचाने वाला नहीं हूं। दफ्तर का काम बहुत बड़ा, एक मिनट का फुर्सत नहीं है। हाँ सब रख लिया है, हर वक्त उन्हीं से पैसे मांगू। चलो पैसे दो, बात देना बताओ। चलो दो देता। शारदा
मतलब नाराज क्यों? मैं नाराज क्यों ना हूँ? वो आपका करीब मेरी बहन को जयपुर से उड़ा ले, बताइए मेरा खून नहीं खोलेगा? और पता चला कि वो आपको भी पेश की गई थी। शकुंतला को देखते ही मैंने तय कर लिया कि वो लड़की मेरे काम की नहीं है। बहुत अल्लाह मैं ऐसी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप शायद बुरा माने लेकिन यह हकीकत है कि मैं उन औरतों को ज्यादा पसंद करता हूं जो मर्द की जरूरियात को समझती है। वैसे आपका नाम शारदा और आपका वतन जयपुर। जनाब आप इस कदर नाराज क्यों हैं? अगर करीब ने कोई ज्यादती की है तो आप उसको सजा दे सकते हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आपको समझिए बताइए ये कसूर मेरा क्या सजा देना चाहते और आखिरी गिलास थी लेकिन मैंने क्यों पी
सुन ना सबको पहले सबको मैं तेरे
तेरा आशिक हूँ ना सबो, मैं तेरा दीवाना हूँ ना सबो, सबो, सबो ये देख, तेरे लिए क्या लग गया? शादी बनाएगी सबो शादी साला शादी और वो भी तेरे से सबो अरे क्या कमी है मेरे में चला अट्ठा कट्ठा जवान आदमी हूँ सबो मैं बहुत खुश रखूंगा डार्लिंग बहुत खुश रखूंगा घर का सारा काम करके दूंगा झाड़ू पोछा सबो आना तक बना दूंगा सबको सबो मेरे से शादी बना लेना सबको साला अरे आप उनके हिस्से में शादी वाली नहीं है आप उनके अरे तुम लोग उसे दो मिनट की बातें क्या कर लो तुम लोगों का तो प्यार ही हो जाता है मैं दो मिनट की बातें नहीं करूंगी तो तुम लोग दोबारा यहाँ आएगा कैसे सबको सबो मैं बहुत प्यार करता हूँ सबो तुमसे सबो सबो ना नहीं बोलना सबो ना नहीं बोलना नहीं तो मैं जान तो दूंगा यहीं पर अरे दे दे ना जान पहले मेरे पैसे निकाल अरे सबो पैसे निकाल मैं सारा प्यार की बातें कर रहा हूँ और तुम पैसा निकाल की बात करती है सबो मेरी रानी चल अंदर कमरे में चल के बात करते हैं Thank you.
अरे रखो। कैसी औरत है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी खामोश मगर जिस्मानी तौर पर पुरगो औरत नहीं देखी। मैं पैसे में दिलचस्पी न शराब।
मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी फरमाइए नदीर साहब, क्या कहना चाहते हैं? शारदा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी जिंदगी जमा पूंजी थी खत्म हो गई, समझ में नहीं आता क्या करूं। हालांकि मैं चाहता हूं कि इधर का रुख ना करूं, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है। अरे तो जा जाके डूब मर, छुटकारा मिलेगा मुझे।
बहू बड़ी दर्द कर रहा है और मेरा सर दर्द कर रहा है। निकल अभी इस एरिया से वरना तेरे दिल की चटनी बनाकर अभी सभी को खिला दूंगी। ना ले सबको छोड़ो सबको आएगा किसी पे समझा। निकल यहां निकल अच्छा बहू ना सबको मत तो देखो बारात लाएगा शादी बनाएगा। ए सबको सबको अरे मैं मर जाऊंगा रे Thank you.
कल दफ्तर का काम बहुत ज्यादा था इसलिए नहीं आ पाया। दफ्तर का काम और मेरा क्या? हाँ? अरे तुम्हारे लिए तो आया हूँ मैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, तुमने बोला था कि मेरे लिए साड़ियाँ लाकर दो, ये चूड़ियाँ, ये झुमके, मैं कुछ भी लेकर आऊँ। अच्छा, तुम साड़ियों की बढ़िया है। बोलो कितनी साड़ियाँ चाहिए? अरे हाँ, जितना बोलोगे उतना ला दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे बो कौन है ये? ए तू कौन है रे? ए साला कमीना, तू यहाँ क्यों है? चल निकल यहाँ से, निकल। शब्बो तू मेरी है, मैं तुझे लेके जाऊंगा, चल मेरे साथ। शब्बो मेरी है, मैं इसे उड़ा के लेके जाऊंगा। ये बोला ना तेरे को शब्बो मेरी है? अगर शब्बो मेरी है थोड़ा सा, अरे बर्बाद होगी अब मैं। शब्बो मेरी है, मैं तू मर जा। शब्बो मेरी है, मेरी है। शब्बो शब्बो मेरी है, अरे शब्बो मेरी है, शब्बो मेरी है। अरे चुप, तेरी है मेरी है, तू मत सोच कर। और ये सब लोग हाथ क्यों पकड़ रखा है? ए लंगड़ा, चल निकल निकल निकल। ये सब लोग का हाथ छोड़, नहीं छोड़ूंगा। सब लोग अंदर जा, जा। अबे तू किधर चला? पिता चल। ले सब लोग, सब लोग। अरे सुन ही दे, तू चिल्ला क्या कर रहा है? तू शबनम मेरी है भाई, शबनम मेरी है प्यार जो सबनम मेरी है। सबनम मेरी है, 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 सबनम। ए चाकुनी, चाकुनी
मेरे साथ सोएगा, अपने हवस मिटाने को चले जाएगा। बकवास कर रही हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं बोला मोहब्बत? कैसी मोहब्बत नजीर साहब? मोहब्बत रहने तो अब 10 दिन बाद नहीं रहते। मेरे से मिलने आते, मेरी और अपनी का ख्याल रखना। चुप क्यों है?
आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि शारदा नाटक के डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और काफ़ी ऊर्जावान हैं, रासराज। तो रासराज, क्या आज का नाटक किस चीज़ पे है, क्या कहानी है? देखिए, अमूमन हमारा नाटक स्त्री विमर्श पर होता है, नारी प्रधान होता है, तो और इस बार भी नाटक हमारा उसी पर बेस्ड है, एक नारी पर, जो एक रेड लाइट एरिया की कहानी है, शारदा जो सादत हसन मंटो की कहानी है। और लड़कियों की मजबूरी होती है वेश्यावृत्ति करने की, क्या होता है प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हमारे नाटक में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई शौक से नहीं आता है इस रेड लाइट एरिया में। तो बस यही दिखाने का एक तरीका, एक तरह से कह सकते हैं। मैं शारदा है, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, मैं उनकी छोटी बहन का निभा रही हूँ, जो गांव से उन्हें दलाल ने लेके आ गया है, और वो कैसे अपनी बहन को बचाती है, कैसे मुझे बचाती हैं, इस पे बेस है मेरा रोल। ये युवा आर्टिस्ट हैं अमरजीत सैम जी, और इनसे बात करते हैं, क्या रोल है आपका आज? जी, मेरा आज एक ग्राहक का रोल है, जो कि रेड लाइट एरिया में जो ग्राहक जाते हैं, उस टाइप का सीन है मेरा आज जी। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे इस प्ले का? जी, हम लोग मतलब एक महीने से लगे हुए इस प्ले के लिए।